हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल भी मैं अपना व्लॉग शूट करना चाहूँ लेकिन कल भी नहीं कर पाई। इनफैक्ट आज सुबह से सोच रही थी कि मैं अपना व्लॉग मतलब स्टार्ट करूँ, लेकिन हो जाता है ना कभी कभी जो आलस होता है तो ऐसे वाली बात हो जाती है। और मैंने देखो ना मेहंदी लगाई है, कितना प्यारा मेहंदी का जो कलर है ना वो आया है। हाँ, मिट्टी ले लेते गुड़िया। कल सोसाइटी में बुलाया था मेहंदी वाले को। कल गनगौर है ना, हमारे यहाँ पे गनगौर होती है तीज वाले दिन चैत्र के नवरात्रि में, तो उसके लिए मेहंदी लगवाई थी। और मैं ना इस बार 9 डेज के जो फास्ट है ना वो रख रही हूँ। अभी तक तो 2 दिन अच्छे से नहीं थे, सोचा तो था कि मैं मतलब 2 दिन नमक खाऊंगी ये, लेकिन कल मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। शाम को मैंने एक टाइम नमक खाया था, आज तो मेरे को कॉफ़ी ली थी, अब खाना खाऊंगी। तो जब तक बीत रहा है तब तक चल रहा है। वैसे मैंने माता रानी से बोला था क्योंकि फीड कराती हूँ ना, इसलिए अभी इसको वीन ऑफ करना है, तो फास्ट फिनिश हो तो उसको वीन ऑफ भी हो वाली जर्नी भी शुरू करनी है। बहुत टफ है वाली जर्नी ना। कोलकाता में शुरू की थी मैंने, लेकिन ड्रॉप ऑफ कर दिया क्योंकि हम लोग इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए दोनों, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और ये था, यहाँ पे देखो मैं बैठूँ ना, मुझे जो वोगन मिला है इस पर ना फ्लावर देखो कितने अच्छे आए हैं। जब मैं लेके आई थी ना तब तो मतलब इस पर मतलब कुछ भी फ्लावर नहीं थे, बहुत मेहनत लगी, लेकिन हाँ अब ना इस पर फ्लावर्स आ रहे हैं। और ना मैं ना क्या कर रही हूँ, अपने आप को ना हाइड्रेट रख रही हूँ, पानी बहुत अच्छे से पी रही हूँ। पानी ना मैं डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ फ्लेवर वाला, आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम जो रमज़ान कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, और ये वाला जो पीरियड है मतलब गर्मी वाला है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब टफ रहा होगा। अभी तो ख़त्म हो गया, लास्ट डे है, कल मीठी ईद है, तो मीठी ईद और गनगौर एक ही दिन है। क्या हुआ क्रिशा? मैंने यहाँ से डोर क्लोज कर लिया था, ये देखो क्रिशा यहाँ पे इधर खड़ी है, देखो क्या हुआ। तो अभी हम बेसिकली मैं अभी ना अमित को पढ़ा के आई थी, अमित का होमवर्क आ गया था, अभी काफ़ी होमवर्क आने लग गया है। अभी वो गया है स्केटिंग क्लास के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो व्लॉग है ना वो शुरू करती हूँ, वरना फिर ऐसे रह जाएगा। बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है ये ना जो फ्लेवर वाटर रहता है, और मैं मतलब काफ़ी पी रही हूँ उसको, कि मतलब खा कुछ नहीं रही हूँ कि एटलीस्ट मेरी जो बॉडी है ना वो मतलब हाइड्रेट है। ने सही कहा है, टाइम का कुछ भरोसा नहीं है कि एक सेकंड का ही। देखो मेरा वन ऑफ फेवरेट मॉरिटन आर्ट वाला जो मग है ना वो शहीद हो गया है कृषा की वजह से। मेरा मेसन जार कृषा ने तोड़ दिया, और ये देखो आई और इसने फटाक से पता नहीं मेरी मुझे बचा के कब ये ले लिया। सो डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, और अभी ना मुझे अर्जेंट बेस पे एक वीडियो शेयर करनी थी, तो देखो मैं वेट कर रही हूँ कैसे सो जाए। लोग बोलते हैं ना कि ब्लॉगिंग इजी होती है, और क्या है वीडियो तो शूट करनी है, बट देखो मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। और ये इनके चलते ना कुछ काम हो नहीं पाता है, और इनके साथ करो तो ये देखो ऐसे चढ़े बैठे रहते हैं। तो ये होती है एक व्लॉगर की मुश्किल, कि मतलब रियलिटी ये है, अगर व्लॉग शूट कर रहे हो तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई ऐसे डेडिकेटेड वीडियो कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। देखो हरी मिर्ची, मेरी लड़की हरी मिर्च की फैन है, खाओ। खाती नहीं है, मैंने इसको हल्का सा टेस्ट कराया था, देखो मिर्ची 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 देखो मिर्ची मिर्ची मिर्ची। कुछ कुछ फनी क्लिप्स कितनी अच्छी होती है ना बच्चों की, ये देखो। तो चलो मैं टाइम निकाल के अपनी वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि अर्जेंट बेस पे आया था एक किचन का हॉल ना, वो आप शायद इससे पहले देख चुके होंगे, तो वही शेयर करना है, लेकिन इनके चलते कुछ हो नहीं पाता, बच्चों के चलते ना ये है, आता तो बहुत कुछ है।
ये बैठने की जगह है, ये जो बैठता नहीं है, यहाँ पे बैठना है। सो अभी नेक्स्ट डे हो गया है और हम सब ने अभी शावर ले लिया है, तो आज नवरात्रि का तीसरा डे भी है दुर्गा सप्तशती वाला, और दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाला, और आज गणगौर भी है। तो अभी सबसे पहले ना बाय लेके हम लोग गणगौर बनाएंगे, और ऐसे मतलब मेहंदी का जो कलर है ना वो आया है, तो सबसे पहले वो ये गणगौर के गुने बना लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे पूजा, फिर हम निकालेंगे बायना, तो ऐसा रहेगा। तो मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ कि अभी नेक्स्ट डे ऐसे हो गया है। अलग होते हैं और अलग शेप के होते हैं, लेकिन हम ना मतलब ऐसे बना लेते हैं ये वाले स्टाइल में ना। फोटो में तो आपको बहुत सुंदर सुंदर और गुने दिखाई देंगे जो मतलब प्रॉपर राजस्थान में बनते हैं ऐसा, लेकिन हम लोग तो बायना ऐसे निकलेगा ना, देखिए हम लोग लाओ दे दो चलो बेलेंगे। आगे निर्मला, हाँ, ईदगाह ईदगाह होके आ गई। मैंने ना पूरे रोटी बची अनौती के, चलो फिर थे आज वो है ना मीठी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुझे लगा आज निर्मला जो है वो ईदगाह चले गई है, देर हो गई निर्मला को आने में बहुत ज्यादा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की रेखा शोभित है, वे अपने हाथों से शंख चक्र कृपाण और शूल धारण किए। सभी दुर्गा सप्तशती मतलब जो नवरात्रि वाली पूजा है ना वो हो गई है, अभी गणगौर की पूजा करनी है। तो मैंने ना अपना ये जो पोशाक है ना वो पहन लिया, क्योंकि जब मैंने पहनी थी ना तीज पे, तो उस समय ना मेरी आंख में कुछ हुआ हुआ था, तो मैंने उसमें मेकअप वगैरह ढंग से नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि ये वाली पहन लेती हूँ, अच्छा लगता है ना आज के दिन गणगौर पे भी। और सोच रही हूँ कि इसके साथ ना बाल मतलब बंद कर लूँ, क्योंकि ऐसे खुले बाल भी ना मतलब अजीब लग रहा है। मैंने ना कुछ हेयर एक्सेसरीज ऑर्डर की थी अमेज़ोन से, तो वो तो मैं आपको भी पूजा के बाद दिखाऊंगी। अभी एक एक्सेसरीज उसमें से मैं लगाने वाली हूँ, तो देखती हूँ ठीक बैठती कि नहीं बैठती है। छोटे बालों का जुगाड़ ये लिया था, और ये सोचा कि लगा लेती हूँ, काफ़ी बड़ा बन लगता है इससे ना। और मैंने देखा था मैं इसको गलत तरीके से लगा रही थी, इसको जो लगाने का तरीका है ना वो मतलब ऐसे है, छोटे बालों में ना थोड़ा सा लुक आ जाता है ये करके ना, तो देखो थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, तो अच्छा लग रहा है। बस हो गई हूँ ऐसे फटाक से ना, सिंपल से तैयार, जुगाड़ करके अपना बोरला भी बिठा लिया है, क्योंकि पोशाक के साथ ना अच्छा लगता है। और चलिए मैं आपको अपना एक कम्प्लीट लुक दिखा देती हूँ, फिर जाके ना जो पूजा है गणगौर की फिर वो करेंगे। मैंने में ना ये वाली साड़ी रखने वाली हूँ मम्मी के लिए, मैं सिल्क की साड़ी लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, देखो बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है और मम्मी के ऊपर अच्छा लगेगा। Thank you.
फाइनली हो गई गणगौर की पूजा। तो हमारे यहाँ पे ना इसी तरीके से होती है कि गुनों से बायना निकलता है और फिर वो बायना अपने से बड़ों को देता है, जैसे मैं तो मतलब मम्मी को देती हूँ, मम्मी मंदिर में या फिर गाय को ऐसे खिला देती है। और अब जैसे राजस्थान साइड में गणगौर बनाते हैं मिट्टी के, उनसे पूजा होती है, तो हमारे यहाँ वैसा वाला नहीं है। तो ऐसे ही है, इनफैक्ट मतलब मैंने ये मतलब यहीं पे आके देखा, ये मतलब मेरे ससुराल का रिवाज है, मेरे मायके में तो ये सब होता नहीं था, तो ये है। लेकिन हाँ, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना मेरे को अच्छा लगता है, ये है। तो अभी मैं अपना ब्लॉग का एंड करने जा रही थी, सोचा चेंज करने से पहले आपसे बात कर लूँ, और दो एक दो एक्सेसरीज मैंने जो ली हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो एक तो ना मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जो मैंने रात में लगाया था ना, अरोमा मैजिक का, अगर आप वो फेस पैक लेंगे ना तो आपको भी अच्छा फील होगा। तो फेस्टिवल वगैरह हो ना, अगर उससे पहले आप लगा लो ना नाइट में, तो स्किन ना थोड़ा सा बेटर होती है, तो आप देख भी रहे होंगे। अभी वैसे मैं कढ़ाई के पास भी काम करके आ रही हूँ, इतना शाइन तो थोड़ा उससे भी है, लेकिन हाँ वो पैक मतलब अच्छा है सेंसिटिव स्किन के लिए भी ना। और मैंने ना एक ग्लिटर वाला एक नेल पेंट लिया था अमेजोन से, तो ये काफी अच्छा है, इसका लिंक भी ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने एक ये जूड़ा लिया था, तो ये भी मुझे मतलब काफी अच्छा लगा, मतलब ऐसे फेस्टिवल में ना देखो कितना डिफरेंस लगता है, फेस्टिवल में ना ये लगाओ तो ना इनसे अच्छा लुक आ जाता है। तो मेरे हेयर वैसे भी थोड़ा ब्लैक नहीं है, तो ब्राउनिश से है ना, तो इसीलिए इसमें भी थोड़ा ब्राउनिश है, तो मेरे हेयर में ना ये मतलब ठीक लगता है। गजरा वगैरह लगाओगे तो अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी में मैंने सोचा कि ऐसे ही लगा लेती हूँ। और एक मैंने कोरियन क्लिप आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, वो भी बहुत अच्छा है, वो बनाना क्लिप है, वो मुझे मिला नहीं, तो अगर आप लोग लेना चाहें ना तो वो भी ले सकते हैं। बाकी देखो मैंने ना एक ये क्लच लिया था, ये इन कुछ तो ना कोरियन क्लच चल रहे हैं, काफी अच्छा लगता है, इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है। और एक मैंने ये वाला लिया था, ये देखो मोती वाला, ये बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल, और ये ना अच्छा लगता है, एथनिक के साथ पहनो आप, स्कर्ट टॉप के साथ पहनो तो भी मतलब अच्छा लगता है। एक ये लिया था, और एक मैंने अनवी यहाँ से कुछ उठाना नहीं, एक मैंने ये लिया था छोटा सा ना, ये देखो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये वाले। तो ये तीन मैंने ऐसे क्लचर लिए थे, और ऐसे ना मतलब मुझे एक पैकेट में मतलब ये पिन रिसीव हुई थी, तो ये थी, और ये वाली मतलब ब्लैक कलर की पिन थी। जैसे मेरे शॉर्ट हेयर है ना, तो मैं आजकल साइड ऐसे करके लगाती हूँ ना बाल, तो उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट क्रिशा को भी मैं ये लगा सकती हूँ, तो इस टाइप की चीज़ें ना अच्छी लगती है, थोड़ा गर्लिश गर्लिश सी ना, तो मैंने क्रिशा को देख के ली थी, और मैंने सोचा कि मैं भी साइड पार्टीशन करके लगाती ना, तो ऐसे मतलब अच्छा लगता है। तो ये है, तो हो गई हमारे गणगौर की पूजा। बाकी हमारे यहाँ पे ना पक्का खाना बनता है, तो बाकी सबके लिए गुने पूरी और सब्जी वगैरह सब कुछ बना है। मैं तो अनाज नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने 9 दिन का उपवास रखा है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मैंने ना थोड़े से आलू अपने मैं फ्राई कर लूंगी अगर मेरा मन करेगा सबको देख के, जैसे कि आपको बताया कि मेरे को पूरी खाना पसंद है। लेकिन सच बताऊं अभी तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। नॉर्मल डेज में तो अगर कल उपवास होता ना जो हम दोष वाला रखते हैं, और आज ऐसा लगता है खाओ खाओ खाओ, सच में अभी ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये बस माता रानी का आशीर्वाद ही है कि हमेशा शक्ति देती है माता रानी ना सब चीजें करने की। ओटीपी देती हूँ। तो अभी आ गया था कोई पार्सल, तो बीच में फोन ऑफ करना पड़ा क्योंकि ओटीपी देना था, तो पार्सल आते रहते हैं और मुझे मतलब ऐसे ओटीपी जो है ना वो मतलब देना पड़ता है। तो चलिए अभी मैं सोचा तो ये था कि शाम तक शूट करूंगी, लेकिन ये वीडियो ना मुझे कल पोस्ट करनी है, शाम को एक इवेंट में जाना है। मेरी फ्रेंड है ना सोनिया, उसने यहाँ पे ना नाथ ब्रह्मा इडलीज की फ्रेंचाइजी ली है, तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी है, तो वहां पे जाना है आज। तो शाम को डिफरेंट कुछ पहनना पड़ेगा, तो रहा तो पिक्चर मतलब शूट करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे मैं बोलती हूँ बहुत बार चूक जाती हूँ, तो चलिए अभी मैं जाती हूँ, थोड़ा कुछ देखती हूँ, अगर मन करेगा तो थोड़ा कुछ खाऊंगी जैसे कि मैंने आपको बताया। वैसे तो 2 व्रत मेरे ऐसे रहे कि मैंने शाम को ही खाया, और लेकिन मैंने ये बोल के ही रखा था कि मतलब गुड़िया भी फीड करती है ना, कि अगर बीच में कुछ मन करेगा तो मैं खा लूंगी। एनीवेज तो चलिए मैं रखती हूँ, और जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ, और सबके जो लिंक्स है ना वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके एक बार चेक कर लेना। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।